हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज है दिन मंडे का और सुबह के इस वक्त 6 बजे हुए हैं और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बच्चे जो हैं रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। तो काफ़ी टाइम के बाद आज जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्योंकि उनकी अभी नवरात्र की छुट्टियाँ चल रही थी और छुट्टी काफ़ी ज़्यादा दिन की हो गई थी। तो आज फाइनली मंडे से जो है बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया है और मैं भी यहाँ पर लग गई हूँ उनके लिए टिफिन वगैरह रेडी करने के लिए। तो सब्ज़ी मैंने बना ली है और सब्ज़ी आज बनाई है मैंने भिंडी की। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे बोली थी कि आप रात में सब्ज़ी कट करके मत रखा करिए। तो देखिए, जैसा समय होता है ना वैसे ही काम करना पड़ता है, क्या करें। जैसे अपना काम होता है वैसे ही उसको हैंडल करना होता है ना। अगर आपको जल्दीबाजी होती है तो फिर रात में ही कुछ तैयारियाँ करनी होती हैं तो हो जाता है। मेरे साथ होता है, सुबह बहुत जल्दबाजी रहती है इसलिए मैं सब्ज़ियाँ रात में ही कट करके रख लेती हूँ, तभी जा कर के सुबह मुझे जो है सारे काम फिर मेरे हो जाते हैं अच्छे से। तो बस बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है मैंने और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, खुद से ही वो कर लेते हैं। बस लास्ट में मैं थोड़ा सा उनको देख लेती हूँ उनकी क्या तैयारियाँ हैं क्या नहीं हैं। तो यहाँ पर भेज दिया है मैंने बच्चों को स्कूल और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ। अपना पूजा वगैरह कर ली मैंने, साफ़ सफाई मैंने सुबह ही कर ली थी उठने के बाद। और यहाँ पर बस बच्चों के जाते ही, वैसे क्योंकि कहते हैं ना घर से अगर कोई बाहर जाता है ना, जैसे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए अगर कोई जाता है ना, तो उसके जाने के बाद तुरंत से साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए, 10-15 मिनट छोड़ देना चाहिए, उसके बाद ही घर की साफ़ सफाई, जैसे झाड़ू लगाना है या पोछा लगाना है तो बाद में करना चाहिए। लेकिन अगर 10-15 मिनट मैं रुकती ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता, इसलिए मैंने बच्चों के जाने से पहले ही एक बार झाड़ू लगा लिया था और फिर यहाँ पर जल्दी से नहा के आने के बाद पूजा वगैरह करके और फिर आ गई हूँ किचन में। और बच्चे हस्बैंड के लिए भी बना दिया था मैंने नाश्ता, उसके बाद मैं यहाँ पर चाय अपनी बना रही हूँ। तो चाय पीने के बाद फिर से लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। और आज वीडियो क्लिप मेरी बहुत थोड़ी थोड़ी ही मैंने शूट की है, तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल हम लोग गए थे संडे को घूमने, उसके बाद से ही थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब तबीयत जो है ठीक नहीं लग रही थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं शूट किया, बस थोड़ा थोड़ा सा ही आप सभी के साथ वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। और यहाँ पर सभी का नाश्ता हो चुका था तो फिर मैं लग गई हूँ किचन को साफ़ करने में। और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर रखे हुए थे नाश्ते के बर्तन, तो उनको साफ़ करके और फिर वापस से छत पे आ गई हूँ। छत पे क्या है ना कि गेहूँ डला हुआ था और हल्दी डली हुई थी, आपने देखा ही होगा। तो हल्दी को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको रोज़ शाम को जो है हटा देते हैं और सुबह में इसको फिर से वापस से धूप में डालना होता है। और शाम को अगर नहीं हटाएंगे तो फिर उसमें ओस पड़ जाएगी क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ओस पड़ने लगी है। तो बस यही रोज़ का काम हो रहा है इस टाइम पे। और गेहूँ तो वैसे 2 दिन में ही सूख गया था लेकिन हल्दी को 3 से 4 दिन लग जाते हैं, तो बस वही मैं चली गई थी छत पे और हल्दी वगैरह फैला करके वहाँ पर धूप में और फिर आ गई हूँ नीचे। और यहाँ पर ना मैं जो कुछ ग्रॉसरी लेकर के आई थी सैटरडे के दिन, जिस दिन हम लोग मेला गए थे उस दिन कुछ सामान लेकर के आई थी, तो ये रखा हुआ था तो मैंने सोचा इनको डब्बों में भर के रख दूँ, वरना जैसे कुछ खाने पीने वाली चीज़ें हैं ना नमकीन वगैरह, तो अन्य अगर निकालेंगे तो फिर इसका पैकेट जो खुला रह जाएगा ना तो वो फिर हो सकता है उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो मैंने सोचा सारी चीज़ों को डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो इसमें चाय की पत्ती थी और यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, ये है जैगरी पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ, पतंजलि का है। और मैं इसको चाय बनाने के बाद ही जो है चाय में डालती थी, मुझे लगता था कहीं ये फट ना जाए, लेकिन एक दिन मैंने ट्राई किया कि ये जो है चाय बनाने के बाद भी नहीं फटा, तो शायद मुझे पता नहीं था इसलिए मैं ऐसे करती थी क्योंकि मुझे लगता था कहीं फट ना जाए। तो अब मैं ऐसा ही करती हूँ, मतलब जब मैं चाय बनाती हूँ तभी इस पर डाल देती हूँ, तो ये बिल्कुल भी फटता नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो ले सकते हैं। और बस ग्रॉसरी रखने के बाद फिर टाइम हो गया था लंच बनाने का, तो आज कुछ खाने में अलग मन कर रहा था बनाने का, मतलब रोज़ वाला खाना नहीं अच्छा लगता है ना, कभी कभी हमें लगता है दाल वगैरह थोड़ी सी चेंज करके बनानी चाहिए। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी मिक्स दाल जिसमें है मूंग की और अरहर की और चने की दाल।
क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो मुंह का जो टेस्ट है वो मतलब एकदम से चला जाता है, ऐसा लगता है कुछ अलग खाना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे मिक्स दाल बनाई है, और बस ऐसे ही जैसे मैं नॉर्मली दाल बनाती हूँ अरहर की, वैसे ही मैंने इसको पका लिया है और फिर कुकर में जो हल्दी नमक डाल करके पका लूँगी। इसके बाद इसमें तड़का वगैरह लगा दूँगी। तो दूध भी आ चुका था और पक गया है दूध, तो यहाँ पर लगा लूँगी इसमें तड़का। और जो भी मिक्स दाल वगैरह अगर कुछ भी बनाते हैं ना, तो बिना तड़के की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो तड़का ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे वो सिंपल सा जीरा और हरी मिर्च से ही लगाएं। तो यहाँ पे मैंने जीरा, हरी मिर्च और राई से तड़का लगाया, थोड़ा सा लहसुन डाला है मैंने इसमें, और इसमें प्याज का यूज़ नहीं किया मैंने, तो लहसुन का टेस्ट वैसे अच्छा लगता है दाल के तड़के में। थोड़ा सा हींग डाल दिया है और 2 से 3 बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। और जैसे सारी चीज़ें जब टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाएंगे ना, तो फिर इसमें दाल डाल देंगे। और यहाँ पर रेडी हो गई है मेरी मिक्स दाल। तो मिक्स दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी चेंज करके बनाओ खाना तो उसका जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दाल जो है बन चुकी है, और साइड में रख दिया है मैंने चावल पकने के लिए। सब्जी मैं नहीं बनाई हूँ दोपहर में, क्योंकि जो सुबह बनी थी ना वही रखी थी थोड़ी सी, और वैसे भी हमेशा ही मैं सुबह में ही सब्जी बना लेती हूँ, तो फिर दोपहर में बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी जैसे कोई सब्जी एक्स्ट्रा होती है तो फिर मैं उसको बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो खाना है मेरा लगभग बन ही चुका है, बच्चे भी आ रहे होंगे स्कूल से, और ये बर्तन जो है सुबह के रखे हुए थे, इनका सारा पानी जो है निकल गया था, तो इनको भी सेट कर देंगे। और फिर उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और मैं मिल रही हूँ अगली सुबह मंगलवार के दिन का ये वीडियो है। तो यहाँ पर भी बच्चों के लिए जो है टिफिन रेडी कर रही थी, आलू यहाँ पर मैं भून रही हूँ, इसके साथ में मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च वैसे बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं रहती, लेकिन आलू के साथ जब मिक्स करके बनाती हूँ ना तो फिर बच्चे पसंद करते हैं, मतलब खा लेते हैं। और इस पे मैं लास्ट में डाल दूँगी टमाटर 3 से 4, तो अच्छा लगता है इस तरीके से शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और यहाँ पर बस सब्ज़ी वगैरह बन चुकी है, बच्चे चले गए हैं और हस्बैंड भी चले गए हैं, उसके बाद का ये वीडियो है। थोड़ा लेट से ही मेरा सारा काम हो रहा है, लेकिन जो है घर थोड़ा गंदा लग रहा था तो मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। और कल शाम को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए कोई वीडियो वगैरह कुछ बनाया नहीं, आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो पहले तो घर की साफ़ सफाई कर लेंगे, सब लोग चले गए हैं इसके बाद। और यहाँ पर पानी भी लगा हुआ है क्योंकि अभी मम्मी जी जो है नहाने जाएंगी, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। फिर मैं यहाँ पर 10 बजे का ये वीडियो है, नाश्ता वगैरह करने के बाद का जो टाइम होता है ना, तो 2 घंटे लगभग थे मेरे पास, और मेरा टाइम जो है वो कट नहीं रहा था। मुझे लग रहा था क्या करूँ तो समझ नहीं आ रहा था, और अगर खाली बैठे रहो ना तो वैसे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर खाली बैठे जो है दिमाग ना घूमता रहता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा घर की जो है साफ़ सफाई कर लूँ, तो सफाई में वही बेडशीट वगैरह यहाँ की देखी तो थोड़ी गंदी हो रखी थी, और ये जो सोफ़े का कवर है ना ये भी गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा चेंज कर दूँ। और पता है कभी कभी अगर अच्छा नहीं लगता ना तो घर की जो चीज़ें हैं उसको चेंज कर दो, थोड़ा सा डेकोरेट कर दो, साफ़ सुथरी कर दो, जो सारे कपड़े वगैरह पड़े होते हैं, चीज़ें इधर उधर रखी हुई होती हैं, तो वो सब काम अगर सही से कर रख दो तो अच्छा लगने लगता है अंदर से, और जो आपका टाइम है ना वो भी पास हो जाता है। तो जब तबीयत वगैरह ख़राब होती है ना तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ऐसे तो टाइम कटता नहीं है, तो फिर मैं वही अपने छोटे मोटे काम में जो है लग जाती हूँ, तो मेरा समय भी निकल जाता है, साथ ही साथ मेरा जो घर का काम है साफ़ सफाई का वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे जो कवर थे ना सबको निकाल दिए हैं, और पुराना वाला जो कवर था उसको मैंने सेट कर दिया है। और मशीन में मुझे कपड़े भी लगाने थे, तो 2-3 दिन से मैं सोच रही हूँ लेकिन लगा नहीं पा रही हूँ, तो वही जब मशीन में कपड़े लगाने होते हैं तभी मैं सारे कपड़े जो है निकाल के और इकट्ठे पहले रख देती हूँ 1 दिन पहले ही, उसके बाद जो है अगले दिन फिर मशीन वगैरह लगाती हूँ, तो ठीक रहता है, सारे कपड़े जो मिल जाते हैं जितने भी गंदे होते हैं उस टाइम पे फिर ढूंढना नहीं पड़ता है। तो कवर वगैरह चेंज करने के बाद फिर मैंने सोचा कुशन का भी कवर चेंज कर देती हूँ, और बस यहाँ पर कुशन के भी कवर को चेंज कर दिया मैंने, और ये पुराने वाले हैं ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ में। और बेडशीट भी चेंज कर दी है, और इस वाले रूम को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, तो जो समय है ना मेरा वो कट गया है, मतलब खाली बैठे बैठे ना थोड़ा सा और अच्छा नहीं लगता है।
इस रूम की सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं मैंने, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है अब। और अब बारी आती है इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं। धूल मिट्टी तो पता नहीं कहाँ से आ जाती है हर दिन, मतलब अगर हर दिन साफ़ करूँ तो हर दिन समझ में आता है कि मतलब धूल मिट्टी जो है लग गई है चीज़ों में। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें थी सभी में मैंने कॉलिन मार दिया है थोड़ा सा। और इसके बाद ना मैं देखी तो मेरी नज़र पड़ी ये स्विच बोर्ड में, ये भी गंदा हो गया था। वैसे इसमें जो बटन लगी हुई ना, तो दो तीन जो इस पर लगी हैं वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं, इस वजह से ब्लैक है। बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा इस पर भी कपड़ा मार देती हूँ। और या जब भी सफाई करने बैठो ना, तो पहले से कुछ भी प्लान नहीं होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें साफ़ करनी है। अगर एक जगह से शुरू कर दो तो फिर वो चलता ही जाता है, क्योंकि फिर चीज़ें जो है ना सामने आपके आती जाती हैं, तो फिर आपको लगता है अब ये भी साफ़ कर दें, वो भी साफ़ कर दें। ऐसे करके मतलब सोचो कुछ और होता कुछ और है। और यहाँ पर मैं बैठी थी रूम साफ़ करने के लिए, और देखिए कितना सारा जो है काम निकल आया है। तो बोर्ड साफ़ की और उसके बाद टीवी को साफ़ किया मैंने, और फिर इसके बाद दरवाजे में नज़र पड़ी तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या है ना, अगर सोचने बैठो तो फिर वो समय जो निकलता जाता है। और मैंने सोचा भी हाथ में है मेरे कपड़ा ये सफाई वाला, तो थोड़ा सा भी टाइम है मेरे पास, तो मैं ये सारी चीज़ें भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस सारे दरवाजे थे जो बाहर वाले, जो हमारा मेन डोर है और बाहर वाले रूम का, और ये है किचन का दरवाज़ा, तो सभी को मैंने साफ़ कर दिया है। दरवाज़ों के पीछे भी बहुत ज़्यादा गंदा बैठ जाता है, मतलब जल्दी नज़र नहीं पहुंच पाती, लेकिन गंदगी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस सारी चीज़ें साफ़ करके और फिर मैं वापस से आ गई छत पर। और ये जो हल्दी का काम है ना, आज समाप्त हो गया है, लगभग 3 से 4 दिन हो गया है, तो हल्दी हमारी सूख चुकी है। और इसके बाद जो है खाना वगैरह मैं बनाऊँगी दोपहर का, बच्चे भी स्कूल से आ रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।